इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। सलाम के बाद आज यहाँ आप सब लोग अपना कीमती टाइम निकल कर मेरे इस छोटे से प्रोग्राम में आप सब लोग अपना प्रेजेंट और हाजिरी दी, उसके लिए सब लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पहले तो उसके बाद मैं चारोलिया मुजमा अब्दुल अजीज, प्रॉपर गुजरात की रहने वाली, बेलगाम को BA MS बैचलर आयुर्वेदा मेडिसिन सर्जरी एजुकेशन के लिए इधर बेलगाम को एडमिशन लेके आई हुई थी। सेकेंड ईयर को मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक होने के कारण मेरा एजुकेशन की कॉलेज फीस से लेके मेरे खाने पीने का आदि खर्चा जो था वो निकालना मुश्किल हो गया था, जिसके कारण मुझे आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने की भी तकलीफ हो रही थी। और एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे मुझे मेरी डिग्री छोड़ने तक का भी हो चुका था, लेकिन मुझे आगे पढ़ाई करनी थी, डिग्री लेनी थी, उसके लिए मैं नहीं जानते हुए गुजरात से यहाँ कोई भी ना पहचान बिना, लेकिन जमीर हंचनमनी सर, अफजल सर, फैजुल्ला सर, साजिद सैयद सर और बाकी बहुत सारे लोग जिनका नाम मैं लूंगी तो बहुत सारे कम रहेंगे, वो सारे लोग और NGOs जैसे कि अलिकरा ट्रस्ट, भगवान ट्रस्ट, बालवी ट्रस्ट, अलपला ट्रस्ट, बाकी बहुत सारे और भी ट्रस्ट लोग, और जो अपने यहाँ कोई अभी अपने बीच में हाजिर भी नहीं रहे कई लोग, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट और बिना कुछ टाइम अपना कोई भी काम को अकेला छोड़ के मेरे काम के लिए, मेरी डिग्री के लिए ऐसे ऐसे किए जैसे उनकी डिग्री हो, और उन्होंने पूरी जान मान और उनकी दुआओं से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिग्री मुकर्रर की हूँ, जिसके लिए मैं तहे दिल से मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से बेलगाम के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और दुआ करती हूँ इंशाल्लाह मेरी तरह कोई दूसरी भी बच्ची अगर ऐसी कोई तकलीफ से आती है तो मैं इदारों के साथ और ये लोगों के साथ मिलकर अपना पूरा सपोर्ट करने को, और जिस तरह उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और बेलगाम तक मुझे एक लोग नहीं जानने वाले आज सब लोग जान रहे हैं, इसी तरह मैं उनको भी सपोर्ट के लिए हाथ आगे बढ़ाऊंगी और दुआ करती हूँ अल्लाह उनको हिम्मत दे और तरक्की दे और कामयाबी दे कि ऐसे बच्चे को आगे एजुकेशन के लिए और भी उनके पास सपोर्ट करे और बच्चे आगे बढ़े। एजुकेशन ऐसी शाखा है जिससे ना केवल बच्चों का, परिवार का, सोसाइटी का, लेकिन अपने पूरे कंट्री तक का अपने हेल्पफुल बन सकते ऐसे काम कर रहे उनको ये जो डिग्री मिली है मुझे उसकी हकदार मैं अकेली नहीं, उसके साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे अकेली के बिना भी दूसरे ये सारे लोग इतने हकदार हैं जितने मैं हकदार हूँ, उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। यहाँ पर जब उन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो बिल्कुल बिना किसी सपोर्ट के और तने तनहा दिए, जब तक कि जनाब मोहम्मद गौस फैजाज साहब, जनाब फैजुल्ला माड़ी वाले साहब, जनाब अफजल टीन वाले, जनाब जमील हंचनमनी साहब, साजिद सैयद साहब, मोहम्मद गौस फैजाज, आज़ाद मुल्ला साहब और बहुत सारे ऐसे लोगों ने आगे बढ़कर उनके हाथ को थाम लिया। ये शहरा जो है हमारे बेलगाम के जितने भी इदारे हैं और खुसूसन जमात के लोग, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन सबको यही खिदमत करने की तौहीद दे। बाद में कोशिश करके आजू बाजू में जो भी घर वाले हैं वो कभी उसे बुला के खिला देते, ऐसी इसकी ज़िंदगी गुजारा होती थी। ऐसे हालत में भी ये कॉलेज में टॉप करती रही, तो फिर अवेयरनेस आया, थोड़े इदारों के पास जाके मशवरा किए, तो बाद में आज जो ये बच्ची खड़ी है एक डॉक्टर के हैसियत में, ये सहरा जो है जितने भी बेलगाम के इदारे हैं और जितने भी जमातों हैं उनकी दुआ, उनकी कोशिश से आज कामयाब हो गई है। ये हमारे इदारों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं इस लड़की की तारीफ करूँगा कि जो इतने तकलीफात होने के बावजूद भी ये डटी रही और अपना कोर्स कंप्लीट की। इसी के जो हालात है, जो इतने
तकलीफ देह है कि कॉलेज से लेके स्टाफ से लेके यूनिवर्सिटी से लेके हर जगह इसे तकलीफ का सामना करना पड़ा। साबित कर दिया है कि हम अगर स्टूडेंट को सही तरीके से गाइडेंस करके उनको हौसला देके अगर करेंगे तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे से निकल सकते हैं। तो इसमें सब एनजीओस का खास करके बहुत सारे डोनर्स भी है जो आज यहाँ नहीं आए, तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने एक मौका ऐसा दिया है बेलगाम वालों को कि एजुकेशन पर्पज़ हो, कोई भी हालात हो, ऐसे लोगों को मदद करने को अल्लाह ताला इनको चुनिंदा बंदों में से करार दिया। मैं समझता हूँ डायमंड नहीं, गोल्डन डायमंड मिक्स, ये जो है ना इनके अंदर जो खूबियाँ हैं ये छुपे हुए इखलास के साथ काम करते हैं। जैसे मौजमा जब बेलगाम फर्स्ट ईयर जब ज्वाइन की, इसको हालात ऐसे हालात से सामना करना पड़ा कि वो खुद को बर्दाश्त न करते हुए, हालात को सामना न करते हुए एक एक आदमी को चुनिंदा बनाकर, मतलब यही उनके माँ बाप और हमारे जैसे जो छोटे मोटे लोग हैं वो भाई जो भी रिलेटिव है उसको सारे रिलेटिव बेलगाम में मिल गए, लेकिन ये गुजरात की थी, लेकिन पूरे रिश्तेदार इसके साथ में ही बनकर काम किए। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जिन्होंने उनको हेल्प किया उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले खुशी इस बात की हो रही है इस शहर बेलगाम में बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कौम और मिल्लत के लिए काम कर रहे हैं और इखलास के साथ कौम की खिदमत कर रहे हैं। मैं तमाम इदारों को मुबारकबाद पेश करता हूं और सबसे पहले इस डॉक्टर साहिबा को मौजमा जो शायद ही ये पहली लड़की है जो इस तरह का प्रोग्राम यहां पर मुनक्कद करके इदारों का शुक्रिया अदा कर रही है। सबसे पहले तो ये बेलगाम के तमाम लोग गुजरात से आने के बाद भी ये लोग ने बिना कोई स्टेट या मुझे मेरे नाम के बिना ही, अगर मुझे स्टडी में जज्बा है पढ़ना है, उन्होंने बिना कोई टाइम ना कोई अपना काम ना कोई चीज़ का ध्यान देते हुए उन्होंने अपने जान माल और सभी तरह के हर मोड़ पे उन्होंने मेरा साथ दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री कम्प्लीट करने का उनको इसका पूरा श्रेय ये लोग को जाता है। सबसे पहले अजीम भाई की खिदमत में शॉल पेश करें, फिर गुलदस्ता आपकी खिदमत के बराबर बीच में है। समीर का माड़ी वाले साहब, हैट्रिक से जीतने वाले जनाब मुसम्मी डोनी साहब और वीर बदनगर के इलाके से बिल्कुल चैलेंज के साथ जीत हासिल करने वाले बाबा जान मत वाले साहब और हमारे चचा मोहतरम जनाब रियाज किलेदार साहब। रियाज किलेदार साहब, समीला भाई जैसे आप शॉर्ट पहने एक अच्छा फोटो इंशाल्लाह एक बेलगाम के लैब में इंशाल्लाह रखने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद सुहेल हमारे संगोड़ी साहब माशाल्लाह, इनके घर के तमाम लोग सामाजिक खिदमत कर चुके हैं, मैं उनके नाम से कलीमुल्ला साहब, कलीमुल्ला मुल्ला साहब। फिर उसके बाद बड़ी मेहनतों के साथ जीत हासिल करने वाले अफजल खान पठान साहब, शायद इनकी बहू जीत हासिल की है इनकी मेहनतों से। फिर हमारे समर कैंप के स्टूडेंट शाहिद पठान साहब, फिर उसके बाद आजाद नगर वार्ड के हमारी खातून उनके साहिबजादे
शहर बेलगाम के लिए, बिलखसूस हम तमाम मुसलमानों के लिए ये बड़े खुशी की बात है कि इस्लाम दुश्मन अनासिर ने शहर बेलगाम को जिस जिस तरीके से तकसीम करके ये सोच नापाक सोच अपने अंदर पैदा की कि हम ही बेलगाम पर हुकूमत करेंगे, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई और उस मदद का असर ये रहा कि वार्ड चेंज करने के बावजूद वोटिंग लिस्ट से बेशुमार मुसलमानों के नाम कटवाने के बावजूद ऐसे नापाक प्रोपेगंडे कि हम एक वार्ड में भी किसी मुसलमान को की जीत देखना नहीं चाहेंगे। और हालात तो इतने बिगड़ चुके हैं, हमारे कॉरपोरेटर हजरात जानते हैं कि मुसलमानों के वो गोश्त की दुकानें, चाहे चिकन की हो या मटन की हो, उन लोगों के इलाके में थी जहां पर गैर मुस्लिम आबादी थी। मुसलमान अगर वहां दुकान भी रखता तो उसे निकाल करके वो एक आरएसएस की पॉलिसी के तहत अपने ही नुमाइंदों को वहां पर जो है इस काम के लिए मुंतखब किया।